हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एंड ये है हमारे लद्दाख का दूसरा दिन। सो वेलकम टू माय चैनल एंड निशांत त्रिवेदी व्लॉग्स। और जो शुरुआत है दिन की, वो एक जबरदस्त वाले व्यू से हम कर रहे हैं। आज तो मौसम बहुत खुला है, बहुत मजा आने वाला है। क्रेजी टाइम लैप्स जो है वो हम लेने वाले हैं, बट देखते हैं सबसे पहले हम क्या करें। यहाँ पे नजदीकी एक शांति स्तूप है, वहाँ पे जाने का प्लान अभी बना रहे, अभी उसका कोई फिक्स नहीं है, एक बार चेक करके आपको बताते हैं। लेकिन जो व्यू है वो बहुत ही जबरदस्त है। ऊपर जाने का सोच रहे कि जहाँ पे टेरेस पे जाके आपको जबरदस्त वाला व्यू जो है वो हमारी स्ट्रेट फ्रॉम अवर होटल हम जो है वो दिखाएंगे, और उसके बाद नाश्ता करेंगे। नाश्ता करके दिन की शुरुआत कर देंगे। बहुत भूख लगी है। तो अभी नाश्ते में है अपने पास सांभर और इडली जूस। कितने नजदीक आ गए हैं। वी आर एट 10,000 feet। एंड आज हमारा लेह लद्दाख का दूसरा दिन है। दूसरे दिन पे हम लेह के आजू बाजू का जो है एरिया है अराउंड 30-40 किलोमीटर्स का, वो हम आज एक्सप्लोर करने वाले हैं। और आपको जो लेह टाउन अगर आप देखोगे, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी। दोस्तों ये जो है वो है प्रेयर व्हील, और मतलब ऐसा है कि इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 3 बार घुमाने का होता है, तो वो हमने किया। बहुत ही प्यारा। अभी हम फाइनली मैग्नेटिक हिल पहुंच चुके हैं, और ये जो नज़ारा है ये कुछ वंडर नज़ारा है, क्योंकि यहाँ पे जो कुछ एरिया है, कुछ मतलब कुछ हिल का एरिया है जहाँ पे ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो अप जाता है, मतलब कि ऊपर की तरफ जाता है, और उसकी वजह से इवन ढलान है तभी भी आप गाड़ी को अगर न्यूट्रल करोगे तो भी वो ऑटोमेटिकली गाड़ी जो है वो ढलान चढ़ेगी। तो वो मैंने आपको अच्छी तरीके से बताया। ये जो मैग्नेटिक हिल के बारे में जो है इंफॉर्मेशन जो है वो दिया हुआ है, बट चलो ये तो इंफॉर्मेशन और वंडर तो बहुत अच्छा है। लेकिन ये जो रोड है जो श्रीनगर से लेह का हाईवे है, और ये जो हाईवे है वो बहुत ही प्यारा दिख रहा है। हम कुछ फोटोग्राफ्स खींचने वाले हैं, और पीछे का जो नज़ारा है वो भी आप देख सकते हो। आजू बाजू मतलब लाइक पहाड़ ही पहाड़ है, और ये पूरा
पूरा बहुत ही अच्छा नज़ारा जो है वो अपने को यहाँ पे देखने मिल रहा है. सो वी विल पास सम टाइम ओवर हियर. यू एंजॉय दिस शॉट एंड विल सी यू. तो यहाँ पे अभी जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि ये जो लद्दाख है वो जम्मू एंड कश्मीर का जो स्टेट है, पहले स्टेट था, तो उसका वो 3000 मीटर मतलब कि 9800 फीट के ऊपर का हिमालय की जो वैली है वो कुंदन वैली उसके अंदर है. और आप यहाँ पे जो व्यूज़ है वो आप देख सकते हो. वाओ वे, ओ वाओ, ये प्लेन आप देखो मतलब लाइक एग्जैक्ट वो उसमें से जा रहा है. लेट मी फोकस देयर. वाओ अमेजिंग. और आप व्यू देखो यार, व्यू मतलब कितना प्यारा है. यहाँ पे ट्रीज दिख रहे हैं और यहाँ पे जो इंडस रिवर है और यहाँ पे माउंटेन का जो रेंज है. मैं इंफॉर्मेशन जो देख रहा था उसके हिसाब से मैं देख कर पढ़ कर बता रहा हूँ. सेंच जेंगबो एंड गार सैम्पो. अभी ये जो नाम है वो मैं शायद गलत भी बोल सकता हूँ, प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है, लेकिन ये जो दो नदियाँ हैं वो तिब्बत सेक्शन जो है वहाँ से आती है और ये इंडस रिवर जो है उसको फॉर्म करती है. और ये जो इंडस रिवर का जो नाम है उसको हम सिंधु रिवर भी बोल सकते हैं, जो एशिया की वन ऑफ द लॉन्गेस्ट जो रिवर है वो मानी जाती है. और आपको एक फैक्ट चीज़ वो भी बता दूँ कि जो इंडिया का नाम भी जो है वो इंडस रिवर के नाम से बनाया गया है. तो ये थी पूरी इंफॉर्मेशन अबाउट इंडस रिवर. अभी मैं आपको बताता हूँ इंफॉर्मेशन अबाउट द जेंस्कर रिवर. और जो जेंस्कर रिवर अभी मैं अगर आपको बताता हूँ तो उसके अंदर ये जो जेंस्कर वैली जो है वो दो नदियों का संगम है. एक है डोडा रिवर और एक है ड्रंग ग्लेशियर, जिसकी वजह से ये जो है वो लुंग नाक रिवर के साथ मिलकर फॉर्म करती है और एक जेंस्कर वैली को बनाती है. ये पूरा जो आप पानी देख रहे हो ये मडी काइंड ऑफ यू नो कलर का जो पानी है वो है जेंस्कर रिवर का. मौसम टू मौसम चेंज होता रहता है. और ये जो आप थोड़ा ग्रीनिश काइंड ऑफ वाटर देख रहे हो वो है इंडस रिवर का. तो यही है दोनों नदियों का संगम. और यहाँ पे टूरिस्ट बहुत सारे आते थे तो उन्होंने पूरा संगम जो है उसका नाम रख दिया. और यहाँ पे बहुत अच्छा कैफ़े है जहाँ पे आप कॉफ़ी पी सकते हो. अभी तो कोविड का टाइम है तो हम ये सब एंजॉय नहीं कर सकते, लेकिन यस द वेदर इज़ सिंपली अमेजिंग और बहुत ही चिल्ड वेदर है. श्री गुरु ग्रंथ साहिब पत्थर गुरुद्वारा श्री पत्थर साहिब क्या
बारिश गिरने लगी है। दोस्तों बाहर घूम के आके ऐसे ऐसे सोए थे ना, इतना मतलब लाइक सोए कि आज तो हद कर दिया। जो हमने मतलब तो लाइक अराउंड 2 बजे से 3 बजे से हम सोए थे, अभी 6:30 बजे और यहाँ पे अभी भी सनसेट नहीं हुआ। सो अभी शाम का टाइम हुआ है और अभी हम लद्दाख की फूड जो है वो एंजॉय करेंगे। सो लद्दाख की फूड के अंदर सबसे पहले यहाँ पे हम देख रहे हैं, बुलाता हूँ, रुको मैं बुलाता हूँ एक्चुअल नाम देखने के लिए। ये जो सूप है इसका नाम क्या है? थेन थुक करके सूप है ना। एक मिनट, अच्छा सिमिलर टू टोमेटो और वेजिटेबल सूप, और उसके अंदर मेहंदी का डाला हुआ है और मटर डाला हुआ है और कुछ ग्रीन्स डाले हुए हैं। नमक को टेस्ट करवा दिया ये वाला कर। नहीं गर्म है, अरे पूरा टेस्ट करना अच्छे से। मीडियम है, तो और भी आ गए हैं, अभी दाल है, चावल है, मतलब क्योंकि जितना ज़्यादा जितना कम हो सके उतना खाना है। और ये आलू की सब्जी है, ये सेवैया है, बस खाना खाएंगे और फिर ऑफिस का काम करेंगे। अगर कुछ इंटरेस्टिंग रहा तो आपको बताएंगे, नहीं तो फिर इसी व्लॉग में इतना ही रखते हैं। बाकी अगर आपको ये व्लॉग कोई भी रीज़न से पसंद आया हो तो डू लाइक कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाकी अलविदा, टाटा बाय बाय, सी या एंड हैव अ ब्लेस्ड डे।